तनवीर अहमद खान। गरीब किसान के इस बेटे ने कश्मीर में करिश्मा कर दिया। इनके अब्बू ने रिक्शा चलाकर और खेती मजूरी कर इन्हें पढ़ाया। पहली ही कोशिश में तनवीर ने अपने सूबे के साथ साथ पूरे राज्य का नाम रोशन किया है। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम के सुदूर इलाके नगीनपोरा में गांव है तनवीर का। बिना किसी कोचिंग से मिली इस सफलता से वो कश्मीर के अन्य युवाओं के लिए हीरो बन गए हैं। स्ट्रगल तो थी, बट हम में एक अंदर एक होप थी कि कुछ करेंगे। मेहनत करते थे रोज, हर दिन मेरा एक टारगेट रहता था, उसको अचीव करने की कोशिश करता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप को एट द लेटर स्टेज ऑफ माई लाइफ कम्पिटिटिव एटमोसफेयर में एक्सपोज किया, तो उसने बहुत हेल्प किया। हमारा मेहनत बहुत किया था है, हम खेती बाड़ी काम करते हैं और पंजाब जाते हैं। उसने भी मेहनत किया बहुत कि उसने मुझे रोशन रखा है। तनवीर प्रतिष्ठित भारतीय आर्थिक सेवा में दूसरी ऑल इंडिया रैंक लाए हैं। अपनी सफलता का पहला श्रेय तनवीर अपने पिता को देते हैं, लेकिन दूसरा श्रेय देते हैं मोदी सरकार की नीतियों को जो छात्रों को आगे बढ़ने का मौका दे रही है। रिसेंटली एलजी साहब ने भी एक स्कीम अनाउंस की है फॉर कम्पिटेटिव एग्जाम, जिसमें फ्री कोचिंग जेएनके यूथ के लिए करवा रहे हैं। तो वो एक अच्छा स्टेप है, मोर एंड मोर स्टूडेंट्स विल गेट क्वालिफाइड फॉर दिस यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो एक इसका एक पॉजिटिव स्पिल ओवर इफेक्ट पड़ता है सोसाइटी पे। जैसे आप यहाँ पे देखोगे मेरे सामने जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनमें एक होप जगी है कि वो भी कुछ कर सकते हैं। स्पेशली फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे जो है, उनमें भी एक होप है, जो ऑलरेडी डिमोटिवेटेड रहते हैं कि हम कैसे कम्पिटेटिव एग्जाम्स में बैठ सकते हैं, हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है। तो मैंने एटलीस्ट ट्राई की है, तो अल्लाह ने रिजल्ट दिया है। अब ये इंस्पिरेशन है फॉर अदर्स कि वो भी कुछ कर सकते हैं। सर्टनली जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, वेरियस स्कीम्स है कि जिसमें आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हो, बट आप में एक लगन होनी चाहिए मेहनत करने की, इस देश के लिए कुछ करने की एक लगन होनी चाहिए आप में। जो इंस्पिरेशन हमें मिली है, इसकी वजह से हमें एक रास्ता मिला है कि हमें कहाँ जाना है और कहाँ जाना चाहिए। भी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हमारे लिए के पूरे जेएनके के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। अगर युवा काबिल हो और उसे मौका मिले तो आतंक कभी ना पले धरती के इस स्वर्ग में। कश्मीर की सर्द फिजा में एक नई गर्म सुबह हुई है दिल्ली से, काबिलियत को मौका देने की। जम्मू हो या कश्मीर, विकास का संतुलन अब जमीन पर दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में ही डीलिमिटेशन कमीशन का गठन हो चुका है। लद्दाख भी विकास की अपनी असीम संभावनाओं की तरफ आगे बढ़ चला है। एक तरफ लद्दाख आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होते देख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख को उच्च शिक्षा का, हायर एजुकेशन का केंद्र भी बना रही है। आज इस नई सुबह में कश्मीर का युवा हौसलों की उड़ान को पंख दे रहा है। अर्दिया के आला गांव पंचायत से पहली बार चुनाव जीतकर सरपंच बनी कमलेश कुमारी गृहिणी थी। पूरा समय घर के कामकाजों में ही निकल जाता था, लेकिन अब तो अनुसूचित जाति से गांव में सरपंच बनी है। राजनीति में भागीदारी की चमक उनके चेहरे पर साफ दिखाई देती है। मैं बड़ी अस खुशकिस्मत जड़े इस मौके अस इधर खड़े हैं। ठीक है, बहुत संजोग किया लोगों ने, ऐसा ही कि जो सरपंच बनाना है, जो ऐसे करना है, ये काम बहुत अच्छे से हो रहे हैं। ठीक है, लोगों को अच्छा लगा तो हमने पहली बार लोगों ने हमें चुना, सरपंच ऐसी कमेटी का सरपंच चुना। काम तो हम सभी करवा रहे हैं, किसी बड़ी कास्ट हो छोटी कास्ट हो, काम तो हम सभी करवा रहे हैं। काम हो भी अच्छा रहा है, हमारी पंचायत में बहुत अच्छा काम हो रहा है। पश्चिमी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में रिफ्यूजी जम्मू कश्मीर आए थे। दशकों यहां रहने के बाद भी कभी जम्मू कश्मीर के नागरिक नहीं बन पाए। नागरिक नहीं थे तो नौकरी भी नहीं मिली। पश्चिम पाकिस्तान से रवि कुमार भी अपने माता पिता के साथ यहां आए थे, लेकिन रवि के माँ बाप बिना डोमिसाइल के चल बसे।
वहां से आने वाले लोगों के नसीब में बस मजदूरी ही लिखी थी, लेकिन रवि की किस्मत बदली। जो गवर्नमेंट से हमें पैसा मिला है उससे हमारा मकान बन जाएगा और आने वाले टाइम पे हम कोई दुकान दुकान कर अपना जिंदगी अच्छी कर लेंगे। हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हमें जो बेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजियों को नागरिकता दी उन्होंने और हमें पैसा दिया जिससे हमें बहुत बड़ा सहारा मिला है। बहुत ही मुश्किल से हम अपना रोजी रोटी चलाते थे तो अब हमें बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि हमारे लिए गवर्नमेंट ने जो किया बहुत अच्छा किया है। अब फिर से स्वर्गिक आभा खिल उठी है बेनजीर कश्मीर में। दशकों से ये इलाका पड़ोसी देश की साजिशों, आतंकवादी गतिविधियों और कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति का शिकार था। अब मुख्य धारा में शामिल होने के लिए लगातार कदम उठा रहा है। वैसे तो मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में कश्मीर शुरुआत से ही है, लेकिन 5 अगस्त 2019 का दिन इतिहास में दर्ज हो गया। एक साहसिक फैसले ने कश्मीर की दशा और दिशा दोनों बदल दी। केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करते हुए जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया। आर्टिकल 370 और 35A ने जम्मू कश्मीर को अलगाववाद, आतंकवाद, परिवारवाद और व्यवस्थाओं में बड़े पैमाने पर फैले भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया। ये फैसला जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ ही पूरे भारत की आर्थिक प्रगति में सहयोग। आज कश्मीर घाटी और जम्मू केंद्र शासित प्रदेश में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र मजबूत हुआ है। पंचायत चुनाव हो या ऐतिहासिक डीडीसी बीडीसी चुनाव, ये पहली बार हिंसा से मुक्त रहे। विपरीत मौसम और कठिन परिस्थितियों के बावजूद बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान किया। ये वो आवाज है जो पहले दबा दी जाती थी। ये जाहिर कर दिया कि वो कैसा जम्मू कश्मीर चाहते हैं। 2020 के आखिर में जो डीडीसी के इलेक्शन हुए उसमें 80% युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। पंचायत के इलेक्शनों में, म्यूनसिपल्टी के इलेक्शनों में, अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शनों में, जो पहले कभी नहीं हुआ था। मुझे लगता है कि कश्मीर की हिस्ट्री में पहले दफ़ा आज लोगों को लगता है कि हमारे ऊपर एक सरकार है, पहले दफ़ा लगता है। और आज लोग बहुत खुश है, बहुत खुश है लोग, खासकर आज के सिस्टम में लोग बहुत खुश है कि लोगों की काम होगी। आज हर अफसर, हर मुलाजिम ये समझता है कि मुझे काम करनी है। और लोगों को भी, मैंने अभी एक्सपीरियंस तब से ये हुआ कि जो भी लोग हमारे इस वक्त दफ्तर में जाते हैं रेस्पॉन्ड होता है, आज बड़ा रेस्पॉन्ड होता है। मैं इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मुबारक करता हूँ। मोदी जी की वजह से लगता है कि होगा, नहीं तो नहीं, मोदी जी हैं ऊपर तो होगा, मुमकिन है, मुमकिन है। जाहिर है डर का माहौल खत्म होते ही अनिर्णय की स्थिति भी खत्म हुई। आवाम ने मुखर आवाज और अंदाज में शांति और विकास के रास्ते की चाह पर मुहर लगाई। जो यहाँ पे पंचायत के इलेक्शन हुए, पंचायतों के खातों में डायरेक्ट पैसा आता है और पंचायत ही यूटिलाइज करता है, काफ़ी बड़ा फर्क आ गया है। और डेवलपमेंट के लिहाज से हमारा जो है काम चल रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है पूरे अच्छे तरीके से, अपना हक मिल रहा है। गेम्स में हम हिस्सा नहीं ले पा रहे थे, ना कोई अलो करता था, आज तो हम गेम्स भी खेलते हैं, कहीं भी जाके एडमिशन करते हैं, तो कुछ भी हमें प्रोवाइड नहीं होता था, आज तो माशाल्लाह सब कुछ प्रोवाइड होता है। सरकार ने मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के मंत्र पर चलते हुए सरकार आपके द्वार को चरितार्थ किया। बैक टू विलेज और मिनिस्टर्स आउटरीच जैसे कार्यक्रम आयोजित हुए। हाशिए पर खड़े व्यक्ति को विकास की रफ्तार में शामिल करने की मुहिम शुरू हुई। दूर दराज के इलाके जहाँ के लोगों की पहुँच प्रशासन तक नहीं थी, वहाँ खुद अधिकारी और मंत्री पहुँचे तो लोगों के दिल से आवाज आई, मोदी है तो मुमकिन है। बैक टू विलेज जो प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था, खास तौर पर जो हमारे गवर्नर माननीय गवर्नर जी ने किया था, बहुत अच्छा रहा और उसका बड़ा अच्छा हमको रिस्पॉन्ड मिला। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक कमिश्नर को गाँव में कुर्सियाँ नहीं होती हैं, गाँव एकदम बिखरा हुआ होता है, एक गाँव के बीच में एक कमिश्नर सेक्रेटरी तरपाल के ऊपर बैठा, ये सबसे बड़ी बात है। वादी तरक्की की राह पर आगे बढ़ रही है, दर्जनों क्षेत्रों में निवेश के अवसर बढ़े हैं,
विकास की राह दिखने से युवाओं को अपने भविष्य की एक नई चाह मिल गई है। अब उनके सपनों को साकार करने के लिए उपयुक्त वातावरण तो है ही, सरकार का साथ भी है। I have recently received this medal in presence of the Honorable President of India at the 19th annual convocation at University of Kashmir. So, मुझे लगता है कि यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, यहाँ का जो यूथ है, उनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है एंड द ओनली नीड इज़ टू फ्लोरिश दैट टैलेंट। जैसे कि मिशन यूथ स्टार्ट किया गया है, तो इन स्कीम से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा, जिसकी वजह से वो अपनी मतलब चाहे वो अपना कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आई थिंक इट विल definitely aid them in one or the other way. गवर्नमेंट की तरफ से भी हमें फैसिलिटी मिल रही है, अभी नहीं, इससे पहले नहीं मिल रही थी, लेकिन अब मिल रही है। इस साल हमें मिली, शर्ट भी मिला गवर्नमेंट की तरफ से, और लोन भी मिले और लाइट्स भी मिली, जिसकी वजह से हम अब अपने घरों में हम काम कर सकते हैं। उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंची गीता देवी ने जिंदगी भर यहाँ दूसरे लोगों के बर्तन ही साफ किए हैं। 20 साल पहले पति मर गए और पूरे परिवार की जिम्मेदारी गीता पर ही आ गई। आज गीता देवी के पास सिर छुपाने के लिए अपना घर है, परिवार में बच्चों के चेहरों पर एक चमक है, उनका भविष्य आने वाले समय में बेहतर होगा। आज उनके पास डोमिसाइल है, वो नौकरियों के लिए आवेदन कर सकेंगे। पहले बर्तन मांजते हैं, बर्तन मांज के अपना टाइम पास कर देता, ते उन्हें पैसे सरकार ना देते, उन्हें इसी एक कोठा बनाया, अपना मकान मकान बनाया, ते ये आज सरकार चलता रहा। पहले तो हम बहुत मजदूरी में, किसी रात रात बार तक मजदूरी करते रहे, फिर भी नहीं बनता था काम। अब चलो गवर्नमेंट ने थोड़ा हमारा सपोर्ट किया तो हमको थोड़ा चलो ठीक है। पहले तो कोई उम्मीद ही नहीं थी, पहले तो ये बच्चों को ऐसे ही रहे जैसे कुछ बनेगा नहीं, अब तो उम्मीद है चलो डोमिसाइल बन गया है, चलो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। जिन हालात में ये लोग रह रहे थे, किसी भी सरकार ने इनकी सुध नहीं ली। सीमा के पास रहने वाले पश्चिमी पाकिस्तान के रिफ्यूजी हमेशा दुश्मन की गोलाबारी की चपेट में ही आ जाते थे। रहने के लिए ढंग की जगह नहीं, करने के लिए ढंग का काम नहीं, इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह थी, धारा 370 और 35A, जो इन्हें दशकों यहाँ रहने के बावजूद नागरिक नहीं मानती थी। मोदी सरकार ने इनकी जिंदगी के इस नासूर को हमेशा के लिए उखाड़ कर फेंक दिया, सेटलमेंट का पैसा भी दिया और खुद के विकास के लिए भागीदारी का मौका भी दिया। कौन सानू आज जदों दी मोदी साहब दी सरकार आई है, उन्होंने सानू एहो जिहा खुशहाल कीता कि साडी गुलामी जिहड़ी है हौली हौली थले नूं जा रही है, वो कलंक लै रहा जिहड़ा सानू युगां तों लगा दी। पहले सफाई का कर्मचारी समाज के बच्चों को सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी थी कि आप चाहे 10वीं पढ़ लो, 12वीं पढ़ लो, ग्रेजुएट बन जाओ, मास्टर्स कर लो, पीएचडी भी कर ली, तब भी आप सिर्फ एक ही काम कर सकते हो और वो है सफाई का। अब हमें भी उम्मीदें हैं कि हम सरकारी जॉब कर सकते हैं। हम तो सोचते थे कि पता नहीं इतनी मेहनत मजूरी करके हमने पढ़ाया लोगों के बर्तन धो धो के सफाई कर करके, अब हमें पता, हमें लगा कि ये ठीक ही है, हमने पढ़ा के बच्चों को कुछ कर सकते हैं। 2019 के बाद जो एब्रोगेशन हुई है इसकी आर्टिकल 37 और 35A की, उसके बाद बच्चों में ये उम्मीद जागी है कि नहीं हम भी इक्वल हैं, जो यहाँ का डोगरा है, जो कश्मीरी पंडित है, जो अदर जो भी यहाँ के पीपल रहने वाले लोग हैं, जम्मू के नागरिक हैं, अब हमें उनके समान मान लिया गया है। मांग में था कि जाए जितना भी हम क्वालिफिकेशन अचीव कर लें, लेकिन रह करना तो वही काम है सर, सफाई कर्मचारी का ही, जैसे हमारे दादा परदादा करते हैं, शायद हमें भी वही करना पड़ेगा। लेकिन डोमिसाइल मिलने की वजह से हमें एक होप मिली है कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। अब राज्य की महिलाएं भी जमीन और फ्लैट खरीद रही हैं, अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को भी ट्रांसफर कर सकेंगी। ये अधिकार उन महिलाओं को भी मिल सकेगा जो राज्य के बाहर के लोगों से शादियां करती हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं भी शुरू की गई हैं। यहाँ पे एक डर रहता था कि आप अपने इलाके के अलावा किसी और से, जैसे आपको पता है, शादी नहीं कर सकते हैं, तो वो जो प्रॉपर्टी राइट अपनी महिलाओं को मिला, तो उससे एक चीज़ कंफर्म हो गई कि चाहे हमारे पास जो राइट ऑफ फ्रीडम है,
कि हम किसी से भी जाके किसी से भी शादी कर सकते हैं, उसके वजह से हमारे जो आगे वाले जनरेशन है उन पर असर नहीं पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है ये बहुत अच्छी हुई है। वोकेशनल्स के बाद वुमेन एम्पावरमेंट बहुत बढ़ा है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि पहले इलेक्शंस में फ़ीमेल्स नहीं खड़ा होती थी, लेकिन अगर आप अभी एग्जांपल लेंगे बहुत सारी फ़ीमेल्स इलेक्शन में भी खड़ा रह रही है और बहुत अच्छा काम की जा रही है। उसके अलावा भी फ़ीमेल्स बाकी सारे जितने भी फील्ड हैं उनमें आगे जा रही है, वो पुलिस हो, आर्मी हो, कुछ भी हो। तो ऑफकोर्स एब्रोकेशन के बाद वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा है। सेब की खेती करने वाले किसानों के लिए जम्मू कश्मीर की पुरानी तस्वीर बदलने लगी है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद यहाँ काफी कुछ बदल रहा है। जम्मू कश्मीर के केसर का रंग हो या कहवा का स्वाद, सेब का मीठापन हो या खुबानी का रसीलापन, कश्मीरी शाल हो या फिर कलाकृति, लद्दाख के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हो या हर्बल मेडिसिन, इसका प्रसार दुनिया भर में किए जाने की जरूरत है। खेती किसानी की बात करें तो यहाँ बिचौलियों का वर्चस्व खत्म हो रहा है। किसानों के लिए सरकारी तंत्र पहले की अपेक्षा बेहतर तरीके से काम कर रहा है। किसानों के उत्पादन को अच्छा बाजार मुहैया कराया जा रहा है। बाजार तक पहुंचते किसानों को सेब के अच्छे भाव भी मिल रहे हैं। लोकली भी अब अच्छा हो रहा है क्योंकि अब ट्रेंड बहुत चेंज हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो हमारे सेब की डिमांड है पैन इंडिया और अभी तो इंटरनेशनली भी बहुत डिमांड बढ़ रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा अच्छा हो रहा है। पूरे मुल्क में जो सैफरान लेने वाले हैं उनको भी फ़ायदा है, क्योंकि वो ढूंढते थे कश्मीरी सैफरान, उनको मिलता नहीं था, उसमें डुप्लीकेसी चलती थी, बाकी चीज़ चलते थे, लेकिन एक अथेंटिक यहाँ पर जो GI टैग मिला है उसकी वजह से एक किसान को काफ़ी फायदा होगा। केंद्र सरकार ने निर्देश दिया कि राज्य सरकार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से सेब उत्पादक के बैंक खाते में सीधे भुगतान सुनिश्चित करेगी और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मोड के माध्यम से सीधे उत्पादकों के बैंक खातों में 48 घंटे के भीतर भुगतान किया जाएगा। केंद्र के सक्रिय उपायों से आपूर्ति श्रृंखला दुरुस्त हो गई है, किसानों की पहुँच सीधे बाजार तक हुई है, नेफेड के माध्यम से उन्हें सेब की अच्छी कीमत मिल रही है। सारे फार्मर्स ने इसका बेनिफिट उठाया है क्योंकि डायरेक्टली वो मंडी पे गया है, वहाँ पे उनने जो गवर्नमेंट एजेंसी थी उसने प्रोक्योर किया है और डायरेक्टली उनके अकाउंट में पैसा आ गया, तो इन्वॉल्वमेंट नहीं था, डायरेक्टली अकाउंट में पैसा आ गया। गवर्नर के थ्रू मुझे अवार्ड मिला, अब मैंने जो काम किया उसको सराहा गया, उधर जो मैंने नॉर्मली टॉप वर्क पर काम किया हुआ है उस पर मुझे सराहा गया। बाकी स्कीम्स में भी वहाँ पर बताया गया, एक उड़ान स्कीम आ रही है गवर्नमेंट की, अगर वो सही माने में इम्प्लीमेंट होती है तो वो रेवोल्यूशनल लाएगी हमारी इस इंडस्ट्री के लिए। इससे पहले जो भी प्रधानमंत्री इस मुल्क में आया उसने ऐसे कदम नहीं उठाया, खासकर इस ये मिशन ही नहीं था उस टाइम पर, जब मोदी जी आया उसने इसको अब आगे आगे बढ़ाया, किसानों से पहले से ही बात की, हमेशा के लिए किसानों के फायदे के लिए बात की, तो हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। डायरेक्ट ट्रांसफर बेनिफिट, इससे एक अच्छा लाभ मिला है किसानों को कि 2,000 या 6,000 जो मिलते हैं ना, थोड़ा सा एक रिक्रूटमेंट या टूल रिक्रूटमेंट या सीड रिक्रूटमेंट इससे बराबर होते हैं। और अच्छा एक स्टेप लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि जो किसानों को पीएम किसान या मिलता है कि पीएम किसान के साथ साथ जो अभी किसान क्रेडिट कार्ड जो मिला है 1,00,060,000 रुपये जम्मू कश्मीर भी उसका लाभ मिलता है। राज्य में विकास की रफ्तार तेज हुई है। जम्मू कश्मीर सरकार ने 100% घरों में इलेक्ट्रिफिकेशन और 24 घंटे बिजली का सपना साकार किया है और उसकी मिसाल है शोपियां का अंतिम गांव, जहां ये बच्चे बड़े उत्साह से पढ़ाई कर रहे हैं। जब हमने इनसे पूछा कि ये क्या बनना चाहते हैं तो खुद ही देखिए इन्होंने क्या कहा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? दूजी में पढ़ती हो। क्या बनना चाहती हो? मास्टर। मास्टर बनोगी? और तुम क्या बनोगे? डॉक्टर। डॉक्टर। डॉक्टर डॉक्टर बनोगे? इनका उत्साह दुगना इसलिए भी है कि अब इन्हें अंधेरे की वजह से अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी पड़ेगी। इनके गांव में अब बिजली की रोशनी है और इनमें बिजली सा उत्साह। इनके माता पिता भी खुश हैं कि पिछले 70 सालों से जिस बुनियादी सुविधा से ये महरूम रहे अब इनके बच्चे नहीं रहेंगे। हमारी पहले से लाइट नहीं थी,
तो अब लाइट आ गई तो हमारे बच्चे थे पहले धीनी चला देते, धीनी चला के तो मान तो बसर था वो नहीं हो रहा था, अब लाइट तो चल रही है तो हमारे बच्चे भी थोड़ा पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई की तरफ ध्यान देंगे और माशाल्लाह तो ध्यान देके तो ये मुलाजिम बन सकते हैं, इनका सपना भी अच्छा होगा। बिजली आने से हमें बहुत फायदा हुआ, हमारे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते थे ना उस टाइम में जब टीचर उनको बोलते थे कि शाम को पढ़ाई करना, जब अंधेरे में दीने लगा जलाते थे उस दीने जलाकर हमारे बच्चे पढ़ते थे, हमें बहुत दिक्कत आती थी। और जब ये बिजली चली कि कुछ अरसे में इनने बिजली स्टोर कर दी, एक साल में दो तीन महीने में इनने बिजली हमें चला कर दी। पहले ये लोग दीनी की रोशनी यानी लकड़ी जलाकर अपना काम करते थे, सर्दियों में 8 फुट बर्फ जमने पर कोई सहारा इनके पास नहीं होता था, जंगली इलाका होने की वजह से जानवरों का डर रहता था सो अलग। दीनी के धुएं से कई तरह की बीमारियां भी इन्हें होती थी, लेकिन अब यहाँ बिजली आ जाने से इन्होंने राहत की सांस ली है। आजकल के साइंसी दौर में से पीछे भी साइंसी दौर गुजरे उसमें हम केरोसिन ऑयल जलाते थे या लकड़ी जलाते, उसमें ऑयल निकलता था, उससे वो उसमें सोल्यूशन निकलता था, वो जलाकर हम अपनी ज़िंदगी बसर करते थे। तो इससे जो ये बिजली आई इससे हमें बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। हम तभी और तो छोड़ो अब वो तो बाकी तो हम मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन तब भी रोशनी तो देख सकते हैं, वरना वो हम अंधेरे में बैठते थे। पहले ये दीनियाँ जलाते थे उसके वो देख कर फिर खाना खाते थे, बच्चों को भी ऐसे देखते थे, वो मिट्टी का तेल वो उन बत्तियों में डाल के भी काम करते थे। असल ठीक मिली उसके बाद असल खाना भी खाते, असल लाइट में बैठते भी है, उठते भी असल। केवल जम्मू कश्मीर ही नहीं लद्दाख में भी लोग काफी खुश हैं, क्योंकि लंबे समय के बाद इनकी वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई और विकास के नए आयाम खुले। यूटी का दर्जा मिलने के बाद लद्दाख के दरवाजे नए उद्योगों और निवेश के लिए तो खुले ही हैं, पहले से मौजूद पर्यटन उद्योग को भी इससे फायदा पहुंच रहा है। पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग इस बात से खुश हैं कि अब उन्हें हर छोटे बड़े सरकारी काम के लिए लद्दाख से कई 100 किलोमीटर दूर श्रीनगर नहीं जाना पड़ता है। पहले क्या रहता था, जैसे यहाँ पे रूट्स बंद हो जाते थे विंटर्स में, नवंबर से रूट बंद होता था, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन काम से होते थे वो काफ़ी डिले रहते थे। तो अभी यूटी की वजह से ये तो काफ़ी बेनिफिट है फॉर लोकल, जो यहाँ की लोकल पॉपुलेशन है और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क्स रहते हैं वो इजिली एंड स्मूथली वो वर्क कर रहे हैं। और बात रही डेवलपमेंट की, डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छे तरीके से हो रही है। पर्यटकों की बढ़ती तादाद से टूर एंड ट्रैवल और होटल उद्योग को तो सीधे फायदा मिला ही है, इलाके के आम व्यापारियों की कमाई में भी इजाफा हुआ है। लद्दाख में जब से यूटी बना तब से टूरिस्ट का आना बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि ये एक हिंदुस्तान में एक वाहिद जगह है जो दूसरी जगह से बिल्कुल अलग थलग है लोगों की, और जो नेचुरल जो व्यू है वो बहुत अच्छा है। बहुत तब्दीली आया है, पहले हमें छोटे से काम के लिए श्रीनगर जाना पड़ता था, हमारे मुलाजिमों के लिए हर किसी को परमिशन का कोई केस हो या कोई तब्दीली का हो कुछ भी हो हमें श्रीनगर जाना पड़ता, अब हमें यहाँ यूनिटरी मिला है उससे हमें काफ़ी फ़ायदा मिला और काफ़ी डेवलपमेंट भी अच्छा हो रहा है और पहले से बहुत ही इम्प्रूव हो गया है, क्योंकि टूरिज़्म में भी फ़र्क आया है और कारोबार में भी अच्छा फ़र्क आया है। अब यूनिटरी मिलने से हमें डायरेक्ट वहाँ से जो फंड्स आते हैं हमारे कौंसिल को फंड आते हैं, यहाँ गवर्नर पहले नहीं था अभी गवर्नर आए हैं, तो इस वजह से LG है यहाँ, डिविजनल कमिश्नर है, सब कुछ होने से यहाँ बहुत अच्छी तरह से हमें बहुत फायदा मिला है। लद्दाख प्रशासन का फोकस टूरिज्म उद्योग में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने पर भी है, स्थानीय युवाओं विशेष तौर पर ग्रामीण इलाकों में रहने वालों को होम स्टे बनाने और चलाने के लिए खास ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए गए हैं और ग्रामीण क्षेत्रों तक टूरिज्म को विस्तार देने पर काम शुरू हो चुका है। हिमालय की ऊंचाइयों में बसा लद्दाख विकास के नए शिखर की ओर आगे बढ़ रहा है। लद्दाख ले करगिल पूरा क्षेत्र हमारे देश के लिए कार्बन न्यूट्रल इकाई के रूप में उसकी पहचान बना सकता है और इसके लिए भारत सरकार वहां के नागरिकों के साथ मिलकर के एक नमूना रूप प्रेरणा रूप कार्बन न्यूट्रल और वो भी विकास का मॉडल, वहां की आवश्यकताओं की पूर्ति वाला मॉडल, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास की रफ्तार तेज हुई है, लद्दाख का लावण्य बढ़ रहा है,
तो देश का ताज कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर की स्वर्णिम चमक और मुखर हो रही है, जो साबित कर रही है गर फिरदौस बर रुए जमियस हमियस्तो हमियस्तो हमियस्तो।